आज मैं इडली डोसा के मिश्रण से उत्तपम बनाने जा रही हूँ। स्वादानुसार नमक डालेंगे। उत्तपम के मिश्रण में कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, कटे हुए कड़ी पत्ता, कूटे हुए अदरक, काटे हुए हरी मिर्च डालेंगे। सभी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तवा को अच्छी तरह गर्म कर देंगे, उसमें तेल डालकर चारों तरफ फैला देंगे। मिश्रण को डालकर चारों तरफ फैला देंगे। इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। चारों तरफ तेल डाल देंगे और थोड़ा सा ऊपर में डाल देंगे। उत्तपम को अलट पलट करके अच्छी तरह से पका लेंगे। उत्तपम को बनाना बहुत ही आसान है। ये झटपट बन भी जाते हैं और स्वादिष्ट भी लगते हैं खाने में। स्वादिष्ट उत्तपम बन करके तैयार हो गए हैं। सभी उत्तपम को इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। जब भी इडली डोसा के मिश्रण बन जाते हैं तो आप इसको उत्तपम बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत से स्वादिष्ट होते हैं और पौष्टिक भी होते हैं। सारे उत्तपम बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हैं। उत्तपम को आप नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये सभी के साथ अच्छे लगते हैं खाने में।